place is good for chaats and all, but their tikki is superbly awesome. You must try. मौसम बन रहा है ना, मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पूरा बारिश हो रहा है बाहर, बढ़िया है ना, बहुत अच्छा मन है। इस मौसम में आपको क्या लग रहा है, कहाँ जाने के लिए मन कर रहा है, बोलो हम उधर जाएगा आज। आज हम आउट ऑफ सिटी जाने का मन है, देहरादून से थोड़ा सा बाहर, कुछ ना कुछ देसी, उसका मतलब कुछ ना कुछ देसी खाने के लिए मन कर रहा है आपको, कुछ अच्छा चटपटा सा। ऐसा जो मौसम है ना, हमें ऐसा भी घर में बैठ गए, इधर वरांदा में बैठ गया ना, एकदम ऐसा कुछ न कुछ क्रंची चीज खाने के लिए, नमकीन वाला खाने के लिए मन करेगा, साथ साथ थोड़ा सा चाय भी, है ना। केरला में हम ऐसा करते हैं, जो बारिश का समय बाहर बैठ गया ना, जो कॉफी पीता है वो भी काला कॉफी, कॉफी का साथ साथ कुछ न कुछ स्नैक्स, पकौड़ा, ये कुछ हम खाते रहते हैं, अगर वड़ा, गरम गरम वड़ा, ये हमारा आदत। आज हमने एक काम करेगा, अगर आपको ऐसा है ना पकोड़ा टाइप कुछ ना कुछ खाना है तो हमने आज जाएगा बनारस। बनारस, बनारस जाने के लिए मन कर रहा है। माय गॉड, देहरादून टू बनारस कितना दूर है, कैसे जा पाएंगे? अब हमने कहा है पता है, अब हमने एफआरआई का पास है जो देहरादून में, इधर से आधा घंटे में, आधा घंटे नहीं 15 मिनट में मैं आपको बनारस लेके जाएगा। ओह माय गॉड, हम कौन सी फ्लाइट से जाने वाले हैं गाइस? फ्लाइट भी नहीं जाएगा हमारा, सैंड्रो में हम जाएगा। ओह ग्रेट, आधे घंटे में गाइस इट्स नॉट पॉसिबल, आप लोग सोचते हैं बनारस पहुंच पाएंगे आधे घंटे में, लेट्स सी, लेट्स सी। भाई आप सबको आज का नया वीडियो में स्वागत। अब हम देहरादून में है, देहरादून में चक्रता रोड में है। आज आप लोगों को हम लेके जा रहे हैं ऐसा जगह बनारस। आप लोग सोच रहे होगा ये बंदा क्या बोल रहा है, अभी देहरादून में है यूपी, बनारस कैसे जाएगा? देखिए लास्ट तक आप लोग वीडियो देखे रहिए, एकदम बढ़िया जगह है, ऐसा एक होटल में आप लोगों को लेके जा रहे हैं, ठीक है। आगे का कहानी अभी नहीं बोल रहे हैं, फ्यूचर अभी भी बाकी है। अगर चैनल पहले बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना है, फिर अगर पसंद हो गया तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब कुछ करना है। ट्रैवल आगे, अभी आप लोगों को दिखाने वाला है देहरादून का, उत्तराखंड का बनारस चौक। देखिए हमारा पीछे आप लोग ये देख रहे हैं, ये है उत्तराखंड का देहरादून का बनारस चौक। इधर आते हुए देखो, इधर अमिताभ बच्चन का जो फोटोज़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं, पूरा बनारस का अलग अलग टाइप का देखो फोटोज़ इधर आप लोगों को दिखाई देगा। हाय भैया, आपका नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमार, आप भी यूपी बनारस से है? ऐसे हम नैनीताल से हैं। नैनीताल से है, लेकिन आप बनारस का खाना बना रहे हैं, है ना? एकदम फेमस है ना ये बनारस ये चौक? सर काफ़ी फेमस है और यहाँ के डिश भी काफ़ी नेचुरल है, अच्छा है। अच्छा है, ये देखो इधर जो लिखे रखा है, देसी घी से जो टिक्की बनाते हैं, ये देसी घी से बनाते हैं? जी सर। ओके, इधर का फेमस क्या है? इधर फेमस लिट्टी चोखा है और बनारस के मार्च चाट हमारी दही गोलगप्पा है, और दरअसल हमारा ये आलू टिक्की भी हमारे काफ़ी फेमस है। हाँ ठीक है, अभी देश अभी बारिश चल रहा है बाहर, एकदम देखिए खतरनाक बारिश चल रहा है, इसलिए हमारा आवाज़ शायद क्लियर नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम अभी इस बारिश में ऐसा जो खाना गरम गरम टिक्की खाने के लिए हम मन कर रहे हैं हमें, इसलिए हमने इधर आया हुआ है। बाहर देखो एकदम बढ़िया बारिश चल रहा है, अंदर देखो गरम गरम देसी घी में टिक्की बना रहे हैं हमारा भाई ने। भाई हमारे लिए देसी घी का दो टिक्की दे दीजिए पहले। ये कैसे बनाते हैं जो देसी घी का टिक्की? पहले हाथ लगा के करना होता है, और जैसे कस्टमर अपील करता है तो उसे फुल फ्राई करके देते हैं, और उसमें दही पड़ता है, सॉल्ट वगैरह पड़ता है, मटर पड़ती है, और सैलेड के लिए हमने काफ़ी चीज़ें रखी हैं इसके लिए। ठीक है,
देखो हमारे लिए भैया ने, देखो बनारस चौक में भैया ने हमारे लिए अभी देसी घी से, देसी घी का जो टिक्की बना रहे, आलू टिक्की बना रहे। अभी पहले हमने देसी घी का आलू टिक्की खाएगा। अभी इधर देखो आयुष भी बारिश की वजह से अंदर जाके खड़ा है उधर। इधर देखो बनारस का जो फेमस जो पान बना रहे भाई, इधर आएगा तो बनारस का फेमस पान भी मिलते हैं। बनारसी पत्ता होता है सर, मिलते बनारसी पान होता ना सर। हाँ वो फेमस है, वो फेमस है। बनारसी पान किस वजह से फेमस है सर? बनारसी जो पत्ता होता है ना मेरा, हाँ वो मीठा होता है। दूसरी बात, हमारा जो कत्ता है वो पका के रखते हैं हम लोग। ओके, इधर आएगा तो आप लोगों को बनारसी पान भी मिलते हैं। भैया ने बोल रहा था, आप लोग भी सुना होगा बनारसी पान एकदम फेमस है। उधर का जो पत्ता कुछ मीठा होता है बोल रहे, पता नहीं, मैं पान नहीं खाते इसलिए मुझे पता नहीं। जो पान खाते वो लोग आए तो खा सकते हैं, लेकिन हमने इधर आके देसी बनारसी घी का जो टिक्का खाने के लिए हमें मन कर रहे हैं। बाहर देखो बारिश खतरनाक, देखो बारिश हो रहा है। कैसे लग रहा है बनारस की चौक? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पता भी नहीं था कि देहरादून में बनारस बसा हुआ है। ओके, वी आर रियली एंजॉयिंग। यहाँ पे वैरायटीज ऑफ फूड है, आप देख सकते हो। यहाँ पे बनारस के पान है, जैसे बनारसी पान पत्ता बताया। और ये देखिए आप गाइस, यहाँ पे ये आलू टिक्की ये की फेमस बन रही है पूरी, ठीक है। उनकी स्पेशलिटी है ये चीज़ बना रहे हैं यहाँ पे, लिट्टी चोखा जैसे जो बता रखा है। यहाँ पे सारे रेट्स भी मिल जाएंगे आपको, आलू टिक्की, मटर टिक्की। देखिए इधर तो बनारस चौक का पूरा रेट इधर लिखा हुआ है। लिट्टी चौका 120 रुपीस, राज कचौरी 120 रुपीस, ऐसा इधर का जो फेमस क्या क्या है सब इधर लिखा हुआ है। अगर इस जो वीडियो देख रहे हैं ना आप लोग को भी इधर आना है तो कैसे आना है? आप लोग पहले क्लॉक टावर में आना है, क्लॉक टावर से चक्रार्ता रोड में आना है। चक्रार्ता रोड में आएगा तो सीधा आते आते हुए इधर आपको बिंदारपुल पुल मिलेगा, जो तो इस जो बनारस का इस बोर्ड का बिल्कुल आगे पिंडालपुर बोर्ड है। उस पुल का पहले पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये ऐसा एक बोर्ड दिखाई देगा, बनारस चौक। फिर देखने के लिए भी देखो एकदम जो बनारसी स्टाइल है, मुगल स्टाइल एक रेस्टोरेंट इधर बना हुआ है, देसी घी में आलू टिक्की। देखो इधर अभी हमारा देसी घी में हमारा आलू टिक्की देखो फ्राई हो गया। बाद में देखो इधर अभी बना रहे भैया। पहले क्या है आलू टिक्की, फिर ये क्या है? सर ये मटर है, वाइट मटर। मटर, वाइट मटर, फिर अभी डाल रहे दही। ये क्या है? ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी, क्या चटनी है? मीठी, मीठी चटनी। ये क्या है? चाट मसाला। चाट मसाला, ये आलू भुजिया। ये आलू भुजिया, हमारा गाजर का सैलेड। गाजर का सैलेड, ये हमारा चिल्ली चाट। ओके, चिल्ली चाट बनारस स्पेशल। आलू पूरी, मटर ऊपर से पापड़ी। ये क्या है? पापड़ी। अभी तैयार जी, रेडी। देखो गाइस हमारा आलू टिक्की आया, देसी घी का बनारस चौक का स्पेशल आलू टिक्की। कैसे है हम एक बार देखो, हम टेस्ट करेगा। बढ़िया, जरूर आप लोग एक बार इधर आके विजिट करना है। चक्रार्ता रोड में है, बिंदालपुर का पहले पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाया जाएगा बनारस चौक। एकदम बढ़िया आलू टिक्की देसी घी का इधर खाने के लिए मिलेगा। बस गजब, बाहर एकदम बारिश हो रहा है। इधर हमने देखो अंदर अंदर हमने गरम गरम आलू टिक्की खा रहे हैं। कैसे गजब, आप लोगों को ट्राई करना चाहिए भाई, बिल्कुल एक नंबर। इस मौसम में तो आप जानते हैं कितना मजा आएगा खाने में। देखो बाहर एकदम बढ़िया बारिश चल रहा है।
बिहार का जो फेमस जो लिट्टी चोखा वो भी इधर मिलेगा, वो भी तंदूर में बना हुआ लिट्टी चोखा वो भी इधर मिलेगा। हम वो भी आज टेस्ट करेगा, बनारस टेस्ट साथ साथ बिहार का टेस्ट, बिहार का जो फेमस लिट्टी चोखा। देखो लिट्टी चोखा इतना देर तक ऊपर रखे पका रहा था, अभी और अच्छा तरीके से देखो पकाने के लिए वो नीचे रखा है। देसी घी में चला दिया, देखो उसका बाद देसी घी में डाल रहा है। इतना देर तक तंदूर में पकाया, अभी देखो देसी घी में डाल के पका रहा है। अभी सीधा देसी घी से प्लेट में डाल रहा है। देखो रेडी। अरे इधर का एक रेगुलर कस्टमर को भी मिला, डॉक्टर श्रुति। देखिए डॉक्टर श्रुति भी हमारा पास है। Yeah, and this place is good for chats and all, but their tikki is superbly awesome. You must try. Okay. It's a must try. It's a recommendation. Okay. It's a must try. You are a regular customer. Yeah. One of the regular customers. Regular customer. Yeah. Since the day they established here, we have been coming here very often. Okay. Okay. थैंक फॉर योर फीडबैक। देखो अभी इधर का जो रेगुलर कस्टमर है डॉक्टर श्रुति, उनका भी फीडबैक हमें अभी मिला। गाइस देखो हमारा लिट्टी चोखा आ गया, साथ साथ देखो प्याज है, फिर नींबू, फिर ग्रीन चटनी है, फिर ये भी आलू का एक चटनी है। देखो तंदूर में बना हुआ लिट्टी चोखा कैसे है एक बार ट्राई करेगा। पहले देखो हमने नींबू इस प्याज का ऊपर ऐसा डालेगा, ऐसा तोड़ के थोड़ा सा ये आलू का चटनी, फिर हरा चटनी थोड़ा सा ऊपर डालना है, फिर साथ साथ थोड़ा सा ये प्याज भी रखना है, फिर देखो ऐसा। जरूर अगर आप लोग डेहराडून में आ रहे हो तो एक बार इधर विजिट करना है, एकदम बढ़िया वैरायटी खाना। अगर खाने के लिए कभी किसी को मन लग रहे तो जरूर बनारस तक जाने का ज़रूरत नहीं है, इधर डेहराडून में आपको बनारस का टेस्ट या बिहार का टेस्ट खाना आप लोगों को मिलेगा। गाइस आज का वीडियो हम इधर अभी एंड कर रहे हैं। आज का वीडियो अगर पसंद हो गया तो आप लोग ज़रूर लाइक करना है, कमेंट करना है और लोगों को शेयर भी करना है। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। देखो हमारा साथ आयुष भी है। बाय बाय ट्रैवल आलू।